नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जैविक वाटिका में। और आज मैं आपको ओवरव्यू दिखाने के लिए लाया हूँ ये वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हमारे सीजनल प्लांट हैं विंटर के, उन पे कितना ब्लूम आया हुआ है और उन पे जो फ्लावरिंग है वो कितनी अच्छी आई हुई है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा आनंद आएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। और ये देख रहे हैं आप, मेरे पिटूनिया के फ्लावर हैं ये, और प्लांट आप देख ही रहे होंगे कितने फ्लावर इन पर आए हुए हैं और कितना ब्लूम इन पर आया हुआ है, कितनी अच्छी इनकी। अब ये देखिए कितनी भर भर के फूल आए हुए हैं इस प्लांट पे। लगभग लगभग 100-150 फूल इस पे अकेले पे होंगे। और ऐसे ही मेरे जितने भी फ्लावर प्लांट हैं ये सारे पिटूनिया के सारे पे ही पूरे भरे हुए हैं, फूलों से लदे हुए हैं एक तरह से देखिए। और मैंने आपको बताया था कि ये वाले जो पौधे हैं मैंने पौध से लगाए थे छोटी सी, और ये सारे एक ही कलर के निकल गए थे। तो अब इन पर फ्लावरिंग आई है और फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा आई हुई है भर भर कर। और ये वाले जो पौधे हैं वो मैं नर्सरी से लेकर आया था। ये देखिए स्टार वाला पिटूनिया है ये, और इसमें एक जो पॉट है उसमें हमने दो पौधे लगाए हुए हैं अलग अलग कलर के। और आप देखिए कितने सुंदर ये लग रहे हैं। और इस तरह से इधर ही देखिए पर्पल वाला भी ये पौधा है, उधर उसके रेड है। ये बहुत पुराने पौधे मेरे हो गए हैं, मतलब 2-3 महीने हो गए इनके लगे हुए, तो अब इन पर ब्लूम आया है। और कुछ पौधे मैंने लगाए हुए इधर हैंगिंग बास्केट्स में, ये भी काफ़ी भरे हुए हैं फूलों से। और ये देखिए इस तरह से ही मैंने पूरे हैंगिंग बास्केट्स में इनको लगाया था। और इनकी आप ही देखिए, इनकी बिल्कुल भर गए हैं फूलों से। ग्रोथ इनकी आप महसूस कर सकते हैं कितनी अच्छी हुई है। और ये सारा जो कमाल है, मैंने टाइम टाइम पे वीडियो बना के आपको दिखाया था कि मैं कौन से फर्टिलाइज़र आप इनमें दे रहा हूँ, और ये पूरी ग्रोथ इनकी अब निखर के आए हैं। तो थोड़ी सी गर्म दिन भी हो गए, उसका भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब तक बहुत ज़्यादा ठंड रहती है तो पौधों की ग्रोथ इतनी खुलकर नहीं आती, और जो फूल हैं वो भी इतने नहीं आते। तो अब थोड़ा सा गर्म दिन हो गए हैं तो इनकी जो बर्ड्स हैं वो सारी खिलने लगी हैं, और ब्लूम इन पर बहुत अच्छा आ गया है। ये वाइट वाला पिटूनिया है, और इसका जो फ्लावर का साइज़ है बाकी नॉर्मल से थोड़ा बड़ा होता है, और ये लगता भी बहुत अच्छा है वाइट पिटूनिया। तो आइए चलते हैं और मैं आगे दिखाता हूँ आपको और भी। और इधर ये मेरे पेंजी के पौधे आप देखिए कितने ब्लूम पर आए हुए हैं। कई सारे कलर मेरे पास हैं, येलो, वाइट, पर्पल, मरून, और एक और अलग से कलर है ये। ये देखिए कितने सुंदर लगते हैं ये वाले पौधे। और इनके जो मुंह होते हैं ना पौधों के, उसी तरफ होते हैं, इनका जो तो डायरेक्शन होता है उधर ही होता है जिधर आपकी मूवमेंट ज़्यादा रहती है। मतलब हम जिधर आते जाते रहते हैं उनकी जो मूवमेंट है उसी के हिसाब से इनके हेड इनके उसी तरफ होते हैं। ये भी महसूस करते हैं हमारी जो दिनचर्या है उसको, और हमारा जो मूवमेंट है वो महसूस करते हैं। आप देखिए जितने भी पौधे यहाँ लगे हुए हैं उनके जितने भी फ्लावर हैं सबके जो मुंह हैं वो ऐसा लग रहा है कि हमें ही देख रहे हैं ये, और सारे के सारे इधर ही है हमारी तरफ ही, बाकी दीवार की तरफ कोई भी नहीं है, एक आध होगा नहीं तो मोस्टली इधर ही है। तो ये भी महसूस करते हैं पौधे भी, और बड़ा अच्छा लगता है जब इधर ग्रोथ इनकी निखर के आती है और ये सुकून हमें एक मिलता है गार्डनिंग से, तो फिजिकली मेंटली हम फिट रहते हैं। तो मैं आपको भी सुझाव देता हूँ कि गार्डनिंग हमें ज़रूर करनी चाहिए। ये देखिए इनकी ग्रोथ। और इधर मैं आपको और दिखाता हूँ, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लांट है। ये देखिए ये आइस प्लांट इसको बोलते हैं, और मैंने लास्ट ईयर भी इसको लगाया था, नर्सरी से बाय करके लाया था मैं इसको, और इस बार भी मैंने इसको लगाया है। और कई सारे इसमें कलर्स मेरे पास हैं, लगभग 5-6 कलर हैं इसके मेरे पास अभी जो लगे हुए हैं। ये देखिए ये वाइट वाला कलर है, और इधर साथ में ये देखिए ये हल्का सा मरून कलर और हल्का सा वाइट कलर कुछ है, और इधर साथ में ये देखिए ये
थोड़ा डार्क वाला हो गया, उधर रेड हो गया, रेड के साथ में एक और रेड है, फिर इधर येलो है। तो इस तरह से चार पांच कलर मेरे पास इसके अभी अवेलेबल हैं। और इसको जो फ्लावर है मुझे बहुत पसंद है, और फ्लावर के साथ साथ इसका जो पौधा होता है ना वो भी बड़ा खूबसूरत होता है। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कि इसके ऊपर बर्फ़ सी गिर गई हो, इसी का नाम, इसी वजह से ये आइस प्लांट बोलते हैं इसको। और इस पर अभी ब्लूम आया हुआ है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग इस पर होती है। जैसे जैसे धूप इनको मिलती है वैसे वैसे इसके जो फूल हैं वो खिलने लगते हैं। तो ये देखिए ये, और मैं आपको पिटूनिया की बात कर रहा था, पिटूनिया मैंने इधर लगाया हुआ है हैंगिंग में भी, और हैंगिंग में भी मैंने एक ही प्लांट, एक ही पॉट में दो तीन प्लांट लगाए हुए हैं, और इन पर भी ब्लूम अभी काफ़ी अच्छा आया हुआ है। तो आइए चलते हैं आगे। अब मेरे ये दो प्लांटर देखिए आप, इसमें मैंने गजेनिया लगाया हुआ है, और गजेनिया का जो फ्लावर है वो थोड़े लंबे टाइम ज़्यादा चलता है, मतलब अप्रैल मई तक भी ये चलता रहेगा प्लांट ऐसे ही। और ये दो प्लांटर मैंने इनकी वीडियो दिखाई थी, और एक इधर ये फूसिया का प्लांट है, और फूसिया का जो फूल है वो मुझे बहुत पसंद है। इसमें इतनी कलाकारी भगवान ने की है कि आप देखिए ऊपर अलग अलग तरह के, जैसे लग रहा है जैसे मानो कोई डॉल का फ्रॉक हो, डॉल की ऐसी इसकी आकृति लगती है, और बहुत ही बढ़िया लगता है ये वाला फूल मुझे। तो आप कमेंट करके बताना आपको कैसा लगता है। और आइए चलते हैं आगे, फिर और दिखाता हूँ मैं आपको। और एक ही मैंने प्लांट लगाया हुआ है, ये जो बेल होती है बेल नुमा में है ये, और मैंने पॉट में इसको लगाया हुआ है, और ये जरेनियम का प्लांट है। जरेनियम दो तरह के ऐसा है कि बेल वाला आता है और एक नॉर्मल प्लांट आते हैं जो हम अपने पॉट में लगाते हैं। और इसमें भी दो कलर मेरे पास हैं, दो प्लांट मैंने लगाए थे, एक तो ये वाला है देखिए हल्का पिंक है, और एक ये डार्क मरून है, तो बड़े सुंदर लग रहे हैं ये भी। और साथ में इधर मैंने जो पौधे लगाए हुए हैं, मैंने पहले भी इनको वीडियो में आपको दिखाया है कि ये वाले जो पौधे हैं मेरे ये बड़े सुंदर लगते हैं मुझे। और ये डेजी के फ्लावर हैं, और इनकी सुंदरता देखिए आप कितनी अच्छी है, बड़ा सुकून देते हैं इसके फ्लावर मुझे। और अब मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन वाला फ्लावर दिखाऊंगा जो मेरे गार्डन में आजकल बहुत ज़्यादा है, और ये इधर देखिए इसको पॉपी का फ्लावर बोलते हैं, पॉपी का फूल ये देखिए। और ये फूल इतना अच्छा होता है, इतना सुंदर लगता है ये, इसमें कई सारे वेरिएशन इस बार आ गए हैं। ये देखिए ये वाइट और हल्का सा इसके अंदर कंट्रास्ट आ गया थोड़ा सा, और इसके अंदर का जो पेटल है वो ग्रीन है, येलो है, तो ये बन जाते हैं अपने आप ही अलग अलग हर साल। मैं इनको मतलब मैंने इनको उगाया हुआ नहीं है, बस एक साल मैंने अब से लगभग तीन चार साल पहले इसको उगाया था, और अब ये अपने आप ही मेरे पूरे गार्डन में, जैसे इनका टाइम आता है सर्दियों में, पूरे हर गमले में आपको ये मेरे मिल जाएंगे। और ये इतने सारे हैं अभी कि मेरा पूरा बगीचा मानो ऐसे हो गया है जैसे कि इन्हीं का पूरा बगीचा मेरे। ये देखिए आप इनकी सुंदरता देखिए कितनी है, और पॉपी का जो फूल है वो बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए जिधर भी देखोगे हर एक गमले में सिर्फ पॉपी पॉपी आपको नज़र आएगा। और इधर भी देखिए बीच बीच में, ये देखिए कितने सारे। तो पॉपी का जो फ्लावर है वो बहुत ज़्यादा है मेरे गार्डन में, और ये लगता भी बहुत सुंदर है। ये देखिए इसकी सुंदरता आप देखिए कितनी खूबसूरत है, इसके अंदर ब्लैक है ये, और कुछ के अंदर वाइट है, कुछ के अंदर ब्लैक, और इसका फूल ऐसे लगता है जैसे कि आपने कोई कागज़ का फूल बनाया हो। ये देखिए, और ये प्लांट पॉपी का लगभग अप्रैल मई तक चलेगा। इसी तरह से इसमें बर्ड्स आती रहेंगी, बर्ड्स भी देखिए बहुत सारी आई हुई हैं हर एक प्लांट में, और बर्ड्स आती रहेंगी और साथ में नए नए फ्लावर इन पर आते रहेंगे, तो खूबसूरती बहुत ज़्यादा है इसकी। ये देखिए, और एक प्लांट और दिखाता हूँ मैं आपको जो दो तीन साल से मैं ग्रो कर रहा हूँ। ये वाला फूल जो मालाएँ होती हैं ना, वर मालाएँ बनती हैं, उसमें ये लगाया जाता है, और नाम तो मैं अभी नहीं जानता हूँ इसका, भूल गया शायद, मैं पहले पता था क्या था नाम इसका लेकिन अभी मेरे याद नहीं है। आप कमेंट करके बताना कि इस फ्लावर का नाम क्या है।
ये बहुत सुंदर लगता है देखने में, ये देखिए। और मेरे गार्डन में ये लगभग 10 से 15 पौधे होंगे, और सारे पौधों की आप ग्रोथ देखिए कितनी बेहतरीन चल रही है, और इनकी फ्लावरिंग तो आपने देख ही ली होगी। अभी एक एक पौधे पर लगभग लगभग नहीं तो 50-50 फूल आए हुए हैं, और इनकी ग्रोथ का जो पूरा कमाल है वो जो हमने इनको लिक्विड पदार्थ दिया है, लिक्विड खाद दिया है, उससे इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा ब्लूम हुई है। और वो खाद सारे मैं आपको बताते रहता हूँ कि जैसे मस्टर्ड की एक फर्टिलाइज़र है, या फिर अपने गाय के गोबर की खाद है, उसका तरल पदार्थ हम बना के देते हैं, तो वो उसका जो रिज़ल्ट होता है ना वो आप सामने देख सकते हैं कि इस तरह से जो ग्रोथ है पौधों की वो बहुत अच्छी चलती है। तो ये देखिए मेरा पूरा गार्डन इधर से, और आजकल फूलों से भरा हुआ है बिल्कुल। बीच बीच में और सारे यहाँ पर पौधे हुआ करते थे सब्जियों के, वो सारे अब हमने धीरे धीरे करके हार्वेस्ट कर लिए, जैसे मूली, शलजम, पालक, धनिया, और इधर गाजर थी, कुछ पौधे आप देख भी रहे होंगे सामने, सब हमने हार्वेस्ट कर लिया। और बीच में अभी ये पौधे उग गए थे, तो हम अपने इनका आनंद लेने के लिए इनको छोड़ा हुआ है कि ताकि जो फ्लावर हैं वो इन पर ऐसे ही खिलते रहें। अभी एक महीना हम इनको और रखेंगे, उसके बाद फिर इनमें कोई दूसरी जो सब्जियां हैं वो लगाएंगे फिर, तो तब तक मैं इनका ऐसे ही आनंद लूँगा, और ये ऐसे ही हमारे जो गार्डन है उसकी शोभा बढ़ाते रहेंगे। तो और इधर मैंने आपको दिखाया ही था कि मेरे जो हैंगिंग बास्केट्स हैं वो सारे, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और एक पौधा इधर भी लगाया हुआ है मैंने, ये देखिए, ये भी वही वाला पौधा है जो मैं अभी बात कर रहा था इसकी। तो अभी वीडियो लंबा हो रहा है, तो मैं एक पार्ट और बनाऊंगा इसका, उसमें आपको दिखाऊंगा कि आगे और गार्डन में क्या क्या अभी नया है। तो मिलेंगे फिर की दूसरी वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो भी आपको मिल जाए। जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।